हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दोस्तों आप सभी के सामने लेकर आया हूँ एक सिरप जिसका नाम है हिज ब्लॉक एम। आप देख सकते हैं आपके सामने है दोस्तों। आज मैं दोस्तों आप सभी को हिज ब्लॉक एम सिरप के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा दोस्तों, कौन से कंडीशन में हम यूज में ला सकते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो दोस्तों पहली बात है, हम पहले हिज ब्लॉक एम का कंपोजिशन के और गौर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोंटेलुकास्ट सोडियम एंड लिवोसेट्रिजिन डीहाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है। तो दोस्तों पहले तो हम जान लेते हैं ये मोंटेलुकास्ट सोडियम जो है इसका काम क्या है और लिवोसेट्रिजिन डीहाइड्रोक्लोराइड का काम क्या है। दोस्तों मोंटेलुकास्ट सोडियम जो है दोस्तों ये इसका काम जो है दोस्तों, हम सर्दी के मौसम में या अस्थमा पेशेंट में हम ये यूज में ला सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहाँ से जो एयरलाइंस आता है दोस्तों, एलर्जी के कारण वो क्लोज हो जाता है। तो मोंटेलुकास्ट सोडियम लेने से दोस्तों वो एयरलाइंस क्या होता है खुल जाता है और हम इजी टू सांस लेने में दिक्कत नहीं होते हैं दोस्तों। एयरलाइंस खुल जाने के कारण हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ एयर ले सकते हैं दोस्तों। और जो लिवोसेट्रिजिन डीहाइड्रोक्लोराइड है दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉग्स है। हम इसको एलर्जी कंडीशन में यूज में लाते हैं दोस्तों, चाहे आपके। और ये जो दोस्तों है हिज ब्लॉक एम सिरप जो है, ये पेडियाट्रिक यूज ओनली लिखा हुआ है, ये बच्चों में यूज करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बोल रहा था कि लिवोसेट्रिजिन डीहाइड्रोक्लोराइड जो है ये एंटी हिस्टामिनिक है, हम इसको एलर्जी कंडीशन में यूज में ला सकते हैं, जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, छींक आ गया, या फिर बच्चों में आपका मतलब फूड़े फुसकी बॉडी में आ जाते हैं ऑल ओवर बॉडी में, गर्म के कारण हो गया या डस्ट एलर्जी के कारण, तो हम ये सिरप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉग है, इसीलिए वो इजीली इसको रिमूव कर देता है दोस्तों। और दोस्तों इसका मैं मार्केट प्राइस दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये फिजिशियन सैम्पल है दोस्तों, इसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और ये जो कंपोजिशन, दो कंपोजिशन है, ये जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये देख सकते हैं आपका, ये जो है साप कंपनी, साप कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करता है दोस्तों। और मोंटेलु हमारा जो कंपोजिशन है मोंटेलुकास्ट, यहाँ पे 4 mg मिला हुआ है पर 5 ml में, और लिवोसेट्रिजिन 2.5 mg मिला हुआ है पर 5 ml में। साफ कंपनी के अलावा भी दोस्तों और मार्केट में बहुत सारे कंपनी है जो कि ये दो कंपोजिशन है ये मिला होकर बनाते हैं, जैसे कि मैनकाइंड मान लीजिए, और बहुत सारे कंपनी हैं दोस्तों जो कि ये जो दो कंपोजिशन है इसको बनाते हैं सिरप। तो दोस्तों हम इसका ये डोजेस जान लेते हैं बच्चों में। मान लीजिए दोस्तों आपका बच्चा 3 महीना है और उसका वेट जो है 10 kg है, तो हम इसे दोस्तों शाम को दूध पीने से 15 या 20 मिनट पहले हम इसको 5 ml दे सकते हैं दिन में एक बार दोस्तों। अगर वेट ज़्यादा कम है, वेट ज़्यादा नहीं है, वेट कम है, तो दोस्तों हम इसको 2.5 ml दिन में 2 बार डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं, मतलब पर डे 5 ml दे सकते हैं, 2.5 ml दे के सुबह मान लीजिए दूध पीने से 15 या 20 मिनट पहले हम इसको 2.5 ml देंगे, और शाम को दूध पीने से पहले 15 या 20 मिनट पहले वो हम इसे 2.5 ml देंगे दोस्तों। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, ये जो दोनों कंपोजिशन है आपको बच्चों में, अगर सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया है, छींक हो रहा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगा दोस्तों। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, वो लोग चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ नए नए वीडियो बनाता रहता हूँ मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, धन्यवाद।